भ्रष्टाचार का दानव। भ्रष्टाचार का सबसे पहले मीनिंग समझेंगे। भ्रष्टाचार का शाब्दिक अर्थ जो है गिरा हुआ व्यवहार। स्वार्थ और लोभ के कारण किया गया अमानवीय व्यवहार भ्रष्टाचार कहलाता है। कुछ लोग घूस, मिलावट आदि गलत कार्यों को ही भ्रष्टाचार की संज्ञा देते हैं, परंतु यह गलत धारणा है। भ्रष्टाचार का दायरा बहुत बड़ा है। प्रधानमंत्री से लेकर चपरासी तक इसका फैलाव है। अगर प्रधानमंत्री अपनी कुर्सी के लिए लोगों में फूट डालता है, किसी विशेष वर्ग के प्रति पक्षपात करता है या किसी के प्रति उपेक्षा करता है, तो वह भ्रष्टाचारी कहा जाएगा। अगर कोई राजनीतिज्ञ वोट पाने के लिए समाज को गुमराह करता है, डॉक्टर अधिक धन के लालच में रोगी का ठीक से उपचार नहीं करता, इंजीनियर ठेकेदारों से साठ घाट करके कमजोर पुल बना देते हैं, अध्यापक कक्षा में ठीक से ना पढ़ा करके ट्यूशन पढ़ाते हैं, परीक्षक छात्रों को नकल करवाता है, विद्यार्थी नकल करके उत्तीर्ण होता है, व्यापारी मिलावट करता है या मनचाहे दाम लेता है या कम तोलता है, ऑफिसर रिश्वत लेता है, चपरासी सोया रहता है, सरकारी कर्मचारी ठीक पैसे वसूलने पर ओवरटाइम करता है, यह अमानवीय व्यवहार है क्योंकि इससे समाज का अहित होता है। भारत में आज देखें तो सर्वत्र भ्रष्टाचार का बोलबाला है। जीवन का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां ईमानदारी से कार्य होता हो। बच्चे के जन्म से प्रारंभ कीजिए, सरकारी अस्पतालों में गरीबों के लिए जगह नहीं होती, अमीरों को शीघ्र दाखिल कर लिया जाता है। प्राइवेट डॉक्टरों की लंबी फीस ही उनके भ्रष्ट आचरण की कहानी कहती है। आज बाजार में नकली दवाइयों का बोलबाला है। कई बार इंजेक्शन की जगह दूषित पानी भरा रहता है जो लोगों की जान लेकर छोड़ता है। खाद्य पदार्थों में तो इतना घोटाला है कि बाजार की वस्तुओं पर आम आदमी का विश्वास खत्म हो गया है। हल्दी में रंग मिलाया जाता है, चाय में सूखी पत्तियां मिला दी जाती हैं, काली मिर्च में पपीते के बीज मिला दिए जाते हैं, दूध में पानी की मिलावट तो सभी जानते हैं। कई बार अखबारों में खबरें आती हैं कि कोई बारात मिठाई खाने से बीमार पड़ गई, कहीं कच्ची शराब पीने से लोग मर गए, पेट्रोल में मिट्टी का तेल, कपड़ों पर नकली मोहर, जूतों, पुस्तकों और बिजली के उपकरणों आदि के नकली डिजाइनों पर पग पग में नकल मिलती है। आज विद्यालय में प्रवेश पाने का मामला हो या नौकरी मिलने का, सब जगह भ्रष्टाचार व्याप्त है। योग्य गरीब छात्र लंबी लाइनों में धक्के खाते हैं, जबकि अमीर पिताओं के नालायक बेटे दो नंबर के दरवाजे से प्रवेश पा लेते हैं। सरकारी कार्यालयों में तो चक्का तभी घूमता है जब उसमें घूस का पेट्रोल डाला जाता है। सरकारी स्कूल हो या ऑफिस, बस हो या बिजली, सबका बुरा हाल है। ऐसे ऐसे अध्यापक हैं जो वर्ष भर स्कूल के दर्शन किए बिना घर बैठे मासिक आय प्राप्त करते हैं। बिजली विभाग से पता कीजिए कि कितने लोग बिजली की सरेआम चोरी करते हैं। दुर्भाग्य की बात तो ये है कि इसमें सभी बड़े अधिकारी भी शामिल हैं। पुलिस के भ्रष्टाचार का तो कहना ही क्या। जब अपराधी निकल जाता है तब पुलिस हवा में डंडे चलाती हुई आती है और गरीब निरपराधियों को पकड़कर ले जाती है। इस देश का सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी है राजनेता, जिसने देश को बेकार का घर बनाकर रख दिया है। वोट खरीदने के लिए वह कभी अल्पसंख्यकों की जूती चाटता है, कभी ऋण माफी के गलत वायदे करता है, तो कभी दो समुदायों को आपस में भिड़ाने का कार्य किया जाता है। प्रश्न उठता है कि भ्रष्टाचार पनपा क्यों? क्यों पनपता है ये भारत जैसे देशों में? भारत में भ्रष्टाचार इसलिए पनपता है क्योंकि यहाँ का मुखिया स्वयं भ्रष्ट है।
यानी नेता स्वयं भ्रष्ट है, इसलिए वह भ्रष्ट लोगों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं करता है। परिणाम स्वरूप यह बुराई ऊपर से नीचे की ओर चलती जाती है। दूसरा, भूख और गरीबी, कुछ ऐसी बेरोजगारी आदि ऐसी सामाजिक बुराइयां हैं जिनके लिए मनुष्य भ्रष्ट बनने पर मजबूर हो जाता है। दहेज प्रथा एक ऐसी प्रथा है जो लड़की का पिता खुलेआम गलत कार्य करे तब इकट्ठा कर सकता है। तीसरे, यहाँ के आम आदमी के जीवन में कोई आदर्श नहीं रह गया है। चौथा क्या कारण है कि यहाँ की न्याय प्रणाली भी भ्रष्टाचार की लपेट में आ गई है। पांचवा कारण है, भारत का प्रेस अभी तक पूरी तरह सशक्त और जागरूक नहीं है। समस्या तो भ्रष्टाचार की है, लेकिन इसे दूर करने का उपाय क्या हो? भ्रष्टाचार तभी दूर हो सकता है जबकि समाज के पास उसका पर्दाफाश करने का संकल्प दृढ़ हो और देश में सबसे शक्तिशाली हैं युवा। यदि युवा लोग दृढ़ संकल्प कर लें कि हम भ्रष्टाचार को जड़मूल से उखाड़कर फेंक देंगे तो उसका नामो निशान नहीं रहेगा। परंतु प्रश्न यह है कि युवक कैसे संगठित हों और यह दृढ़ संकल्प कैसे जगे। इसका सीधा सा उपाय है, भारत के शिक्षक, पत्रकार, कवि, कलाकार एकजुट होकर देश के नवयुवकों में आचरण की शुद्धता के संस्कार भरें और भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई छेड़ दें। जब नैतिकता से संपन्न युवकों की टोली भ्रष्ट आचरण की समूल नष्ट करने की ठान लेगी तो भ्रष्ट शासक हिल उठेंगे। सरकारी बाबुओं, चपरासियों या अफसरों की तो बिसात ही क्या है। बड़े बड़े धनी और राजनेता भी हाथ जोड़े शुद्ध आचरण करने लगेंगे।